मेलबर्न टू पैसा लाइव, इट्स मी विद यू तनीषा, और आज हमारे साथ है मिस नुपुर झुंझुनवाला, जो कि को-फाउंडर एंड ट्रस्टी हैं चेंज इंक की। इस नाम से आप समझ गए होंगे कि देयर इज समथिंग इनोवेटिंग इन इट। इतना ही नहीं, आज हम इनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि AI प्लेटफॉर्म जो इन्होंने लॉन्च किया है अभी दरहाल में, उसके बारे में कि कैसे ये बाकी AI प्लेटफॉर्म जिनको हम यूज करते हैं, जिनका हमने नाम बहुत सुना है, हाउ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इट। तो Not waste our time more and let's go to and have a chat with our guest Nupur Jinjilwala. Hello, ma'am, and welcome to our our chat for the interview and giving us your time. Thank you so much. It's a pleasure to be here. Thank you, ma'am. Ma'am, actually, just wanted to ask you about सबसे पहले मतलब ma'am let's इतना सारा है ना मन में let's start with your जिसमें आप co-founder and you are a trustee, which is Change Inc. Ma'am, your company name says it all. It's like innovative name. There's something related to change. Can you please evaluate it? So, meri ek sansta hai, we are non-profit. Hum log learning disabilities pe kaam karte hain. Aap log sabne Tare Zameen pe dekhi hogi. Usme jo Ishan ko hai, it is a language mein takleef hoti hai bachchon ko aur individuals ko. Jo akshar ulta seedha dekhte hain, unhe language comprehension mein रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग्स में तकलीफ होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये बच्चों का लो आईक्यू है, स्लो लर्नर है। एक्चुअली ये चीज गलत है। दे आर चिल्ड्रन एंड इंडिविजुअल्स विद एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देम आर जीनियसेस। दुनिया के सारे जो आविष्कार हुए हैं हमारे से, गाड़ी से लेकर प्लेन तक, बिजली से लेकर कंप्यूटर तक, और सब कुछ इन बिटवीन, आर क्रिएशंस ऑफ पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। काफी नोबेल लॉरिएट्स भी होते हैं, बट हम उन्हें जानते हैं बच्चे जो क्लास के डफर होते हैं या जो पढ़ाई लिखाई में बदमाशी करके निकल जाते हैं। हम उन बच्चों के लिए एक इंक्लूसिव दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम गवर्नमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, एम्प्लॉयर्स, पेरेंट्स, टीचर्स और सिस्टम के साथ काम करते हैं, ताकि वो इंक्लूसिव तरीके अपनाए और इन बच्चों को एक्सेप्ट करें। सिर्फ एक्सेप्ट ना करके इन्हें फ्लरिश होते हुए देखें, ताकि वो आगे जाकर और आविष्कार करें और वैल्यू क्रिएट करें हम सबके लिए। आफ्टर ऑल, कोई भी बच्चे को अपनी डिसेबिलिटी के वजह से दुखी या डिप्रेस नहीं होना चाहिए। तो हम ये काम करते हैं। मैम, मतलब बेसिकली दुनिया से जो ये बना हुआ है, मिथ बना हुआ है कि we call them special child, God's special child, but basically they are not just a special child. They have their abilities, we just have to go, we talk about them, if I say unfilteredly, अगर हम देखते हैं कि ability है, we don't go through it, because Ishan, as you said, it was not visible, it was something which is there, he just needed the support, he just needed कि कोई समझे, उसको डफर बोल दिया, and as we have seen what the rest of the history he did, उनके अपना खुद एक talent, we all don't have, but we pursue things, जिसमें हमें लगता है कि हाँ, जब बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब हो पा रहा है, वो ठीक है। If it's not physically, we don't know कि disabilities, some disabilities are inside also, which we have to go through. But जो आपने change in, it's those people. Absolutely. Actually, we believe that they are children who are duffers, who can't think. Actually, they think differently. And because they think differently, उन्होंने दुनिया को बदल दिया है हमारे लिए। But हम उनको मौका नहीं देते हैं, क्योंकि उसे क्लासरूम के बाहर बताते हैं, उनको इतने लेबल्स देते हैं। और हम वही कोशिश कर रहे हैं, वो तोड़ने की चीज, कि हम इन्हें लेबल ना करें, जो वो है उनके लिए उनको अप्रिशिएट करें। और जहाँ पर तकलीफ होती है, आपको और मुझे भी तकलीफ है, आज आप चश्मा पहनती हैं, कोई आपको थोड़ी बोलता है डबल बैटरी, ठीक है, आप क्योंकि आपने चश्मा पहनती, कोई थोड़ी बोलता है कि आपकी मतलब बुद्धि कमजोर है, आपने आपकी आंखें थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए आपने चश्मा पहना और लाइफ कंटिन्यूड। अब आप इसको फैशनल भी बना सकते हैं, कभी कॉन्टैक्ट्स भी पहन लेंगे, तो आपकी सुंदरता को भी बढ़ा सकता है। वैसे ही इन लोग की जो डिसेबिलिटी होती है, इनको थोड़ी बहुत चीजों में तकलीफ करती है। हाँ, ये जो थोड़ी चीज है मैं बोल रही हूँ, आपकी और मेरे लिए इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सोचिए ना, इफ यू थिंक अ पर्सन कैन नॉट रीड, या स्पेलिंग नहीं आती है, या कॉम्प्रिहेंशन में धीरा है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा स्लो इंसान है। तो मगर वो दूसरी चीजों में बहुत अच्छा होता है और कामयाब हो सकता है, इसीलिए हम इन सब चीजों पे काम करते हैं।
ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको डिसेबिलिटी जो ये वाली ही डिसेबिलिटीज है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि चेंज इन बेसिकली मतलब फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट लाइक प्राइमरी थिंग की चेंजिंग का आता है. आई जस्ट वांट टू नो, इट्स वेरी वेरी यूनिक थिंग बेसिकली. इट्स अ वेरी या चेंजिंग इज वेरी पर्सनल टू मी. हम लोग हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में डिसलेक्सिया पीढ़ियों से होता आ रहा है. We are not very unique. Dyslexic and learning disabilities are hereditary. So it moves from generation to generation. Right? So अगर आपके parent को है, बच्चे को हो सकता है, अगर चाचा को है तो भतीजी को हो सकता है. It skips. It doesn't skip but goes generation to generation. वैसे ही मेरे भाई को है learning disability और मेरी सबसे छोटी बेटी को भी है. उसको डायग्नोसिस मिला. एंड देन एज अ पेरेंट एडवोकेट मुझे खूब सारा सीखना पड़ा कि मैं अपनी बच्ची को कैसे सपोर्ट करूँ. उसके डायग्नोसिस से लेकर पढ़ाई तक, दोस्तों से कैसे उससे मिलवाऊ, कैसे टीचर्स को बोलो कि इसको सपोर्ट दें, उस विषय पर मुझे बहुत कम इंफॉर्मेशन थी और सराउंडिंग भी बहुत कम थी. वी सॉ दी मोस्ट पीपल डिड नॉट नो हाउ टू सपोर्ट दिस क्योंकि इट्स अ डिसेबिलिटी एंड मोस्ट पीपल डोंट नो अबाउट इट. तो वो जो मेरा 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, अल्टीमेटली 3 साल पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी. COVID आया, life में we saw many deaths and we realized कि life is too short to spend time just earning money. So we quit, I quit and I started changing ताकि we create an environment and an institution that can help not just individuals with learning disability but those who are supposed to support them, empower them, give them the capacity to build more an inclusive world. So changing ऐसे पैदा हुआ. आज भी मैं खूब सारा सीखती हूँ. रोज हम लोग नई चीजें सीखते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं. ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, इस देश और दुनिया के हजारों पेरेंट्स की ये जर्नी है. मिलियंस ऑफ बच्चे, देयर अबाउट 35 मिलियन चिल्ड्रन दैट आर एस्टिमेटेड टू बी इन द स्कूल सिस्टम टुडे जिनको ये डिसेबिलिटी और हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे. तो दैट इज आवर स्टोरी ऑफ हाउ वी हैव ट्राइड. वी कॉल देम डफल एंड वी मेक देम असाइंड, दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देम. No, सबको कहना चाहूंगी कि दे हैव अ 35% हायर चांस ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, अ 46% हायर चांस ऑफ कमिटिंग अटेम्प्टिंग सुसाइड. मेंटल हेल्थ पर इतना अक्सर असर पड़ता है इन लोगों को. एंड आई थिंक वो चेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ना तो ये बच्चे सीख पा रहे हैं और सीखने के अलावा उनकी भी कितना मेंटल प्रेशर होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स, बुलिंग, इनकी जिंदगी इन सब चीजों से होती है. Nobody should have to live like that. Yes. For a way that they are born. मैम, जैसे आपने भी इस चीज के बारे में बताया, आपने इसी से रिलेटेड, इसी स्पेशल डिसेबिलिटीज के लिए एक AI, नॉट ओनली चेंजिंग, यू आल्सो स्टार्टेड योर AI, भारत की पहली ऐसी AI प्लेटफॉर्म यू हैव स्टार्टेड. कैन आई नो अबाउट इट अ लॉट, हमारे ऑडियंस इसके बारे में जाने. जैसे मैंने कहा, इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है. ना तो टीचर को कुछ पता है, ना डॉक्टर को पता है, ना बट करना बहुत कुछ है. मेरी संस्था ने 1,00,000 से ज्यादा टीचरों को ट्रेन किया है. हम लोग 6 स्टेट में काम करते हैं. हमने हजारों एम्प्लॉयर्स के साथ काम किया है और लॉट्स ऑफ पेरेंट्स. एंड अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं बट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती. कई बार गलत इंफॉर्मेशन होती है. तो हम लोग का अभी तरीका था कि जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप के वायर हम इंफॉर्मेशन दें. बट हमें लगा कि दिस इज नॉट द राइट वे दैट एनीबडी शुड. We need to democratize this information. So हमने एक ऐसा chatbot बनाया है Coreover के collaboration के साथ, जिसमें भारत GPT use करके हमने हिंदी और इंग्लिश में एक informational chatbot बनाया कि मैं कोई भी हूँ, मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिल सकता है. और सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो आपका chat GPT और
बाकी सब भी कर सकते हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन के साथ रिसोर्स मिले, सही तरीके का लिंक मिले। जैसे अगर मेरा पेरेंट है, मैं एक पेरेंट हूँ और मेरे बच्चों को अकोमोडेशन चाहिए एग्जाम के टाइम, तो सिर्फ ये नहीं होएगा कि आप चार चीजें अकोमोडेशन मान सकते हैं, बट कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से रूल के तहत आपको वो मिलेगा, वो सब भी बोल सकते हैं ताकि आप पेरेंट कैन एडवोकेट बेटर। एक टीचर है, उसको समझना है कि मैं एक बच्चे को कैसे सिखाऊं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ उस टीचर के ट्रेनिंग के लिए भी मॉड्यूल है। तो हम इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज, ये प्लेटफॉर्म ऐसे बना है कि ये दिल्ली में भी काम करेगा, कोहिमा में भी काम करेगा, रूरल बिहार में भी काम करेगा, वॉइस में भी काम करेगा, टेक्स्ट में भी काम करेगा। So ma'am, basically this works for abhi only in which states it's working? Actually a global platform, कोई भी आकर use कर सकता है। It's available in Hindi and English. हम लोग slowly और languages use कर रहे हैं। Add करेंगे और languages. Yeah, this is what I was talking ki, what is the language in it? अभी तो English and Hindi is the only language or there is an expansion का भी plan? अभी English Hindi है। अभी हम लोग का plan है कि अगले साल we will add more regional languages. Yes. Ma'am, आपके जो ये जो आपका AI है, इसका आप नाम बताइए ना। I didn't took its name just because I wanted you to take its name. It's called Ask Purple Flame. Yes. It's the AI platform is called Ask Purple Flame. Yeah. It's called Purple Flame because Purple Flame is a dyslexic superhero. She's the world's first girl child who is has a learning disability and is a superhero. She is a creation of a child, a teenage author who herself has learning disabilities. And the motivation of Purple Flame as a character is she fights injustice and uses her dyslexic powers to save the world. Her friends, her teachers, when trouble comes, she helps them using her strengths. But in her actual avatar as a human, is always struggling, is being bullied. तो हमें लगा कि इससे अच्छा मैस्कॉट कौन हो सकता है दुनिया के आंसर्स करने के लिए। एक क्रिएशन, अ पर्पल फ्लेम कैरेक्टर जो एक बच्ची ने बनाया है, जो जिसकी खुद की लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो इनको सपोर्ट करके एजुकेट करें। तो द एआई प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड आस्क पर्पल फ्लेम। ये हमारे वेबसाइट changing.org पे मिल सकता है। आप गूगल करेंगे तो भी पता चल जाएगा। Ma'am, what is the expansion plan for this? What is your expansion plan? कि आपने क्या सोचा है आगे कि चलिए मैम अभी भी बहुत लोग होंगे जिनको बारे में नहीं पता हो। So what's the expansion? तो हम Purple Flame का purpose तीन चार चीजें हैं। एक is informational, a safe space ताकि एक mother, एक father, एक teacher बिना judge हुए questions पूछ सके। एक individual कि मुझे मेरे बारे में पता करना है ताकि दुनिया मेरे ऊपर ना हंसे, तो एक इंफॉर्मेशनल टूल है। दूसरी चीज है कि हम इसको हर टीचर के पास लेकर जाना चाह रहे हैं। टीचर कैन यूज इट एज अ रिसोर्स इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। हम इम्प्लॉयर्स के पास लेकर जाएंगे ताकि उनकी जो गलत फहमी है कि अगर मैं इनको हायर करूंगा वो नौकरी छोड़ देगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा, मैनेजर नहीं बन सकता, रिसोर्सेज इतनी तकलीफ, वो सब रिजॉल्व हो। एक ये हमारा एक्सटेंशन प्लान। दूसरा ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा पहले लैंग्वेजेस ऐड करने का, ताकि ये कंट्री के हर कोने में हर इंसान यूज कर सकता है, दैट शुड नॉट बी अ बैरियर टू इंफॉर्मेशन। और तीसरी चीज है हम इस पे कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसोर्सेज और ऐड कर रहे हैं ताकि आप इस चैटबॉट के तहत यू विल गेट टिप्स ऑफ हाउ टू एक्शन, यू विल गेट ट्रेनिंग मटीरियल and you will get access to government resources for information that will help you act. और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमने ये जो chatbot बनाया, इसमें हमारा ये जो AI platform है, हमने इसमें बहुत सालों से मेहनत करी, हमारे 3 साल से ज्यादा का काम लगा है, क्योंकि हम इतने सारे जनों के साथ काम करके उनके बेसिस पे इस पे बहुत टेस्टिंग हुई है, सेंसिटिव आए आपको सिखाए कि बच्चों, इट्स आल्सो अ टूल टू सेंसिटाइज पीपल। मैम, एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज कि व्हाई योर एआई,
platform is different from others? There are a couple of things why it's different. Mm-hmm. It is voice and text enabled. It mm-hmm. recognizes Indian voice accent. It is accessible to everybody in the country. But most important, it is trained so that it can give information in the Indian context and give accurate, verified, correct information. So, आपको दुनिया नहीं घूमना पड़ेगा पता करने के लिए कि मुझे करना क्या है. So, it is based on that. That is, which is something very unique also. Yeah. So, आप Google, correct. आप Google करके भी जवाब पा सकते हैं, but आपको हजारों websites मिलेंगी. Yes. इंडिया में क्या इस्तेमाल हो सकता? Also, the information is updated. Mm-hmm. So, अगर एक महीना पहले भी कुछ आया है notice, आपको पता चल जाएगा. It's cutting edge. Constantly being updated. So I think that is the speciality, and most importantly, it can be used by a child who is 4 years old and a gentleman and a grandfather who might be 70 years old. It can be used in an urban situation or rural, high bandwidth, low bandwidth. It can be used on a mobile phone or a laptop. It is universal in the way it is being designed. And it is fun. Something very unique which India got, ma'am. Yes. And it's powered by Bhashini. जो language हम लोग की support होती है, Indian government का बनाया हुआ है Bhashini. इसमें भारत GPT का layer है, जो वो भी indigenous है. It is a made in India product by Indians, by people who have experienced and lived with learning disabilities. So that is the uniqueness of our tool. It is not something that comes out of research. Unique, basically, ma'am, it's unique because it's something which some first time came out. We can say that. Absolutely. It's the only solution that is available in India for yes. this disability group. Aur aapke paas kahin pe ye comprehensive information nahi hoi. Aapko yehi bolne wala kuch completed the golden words. This chatbot is designed to address the need of 200 million Indians who have a learning disability but not diagnosed. 200 million Indian is 20 crore log. Hmm. Aisa 20 crore hai na. So it's not a small number, and uske sath hamare system mein 96 lakh teachers need to be trained and made aware. It is for them. It is for the 14 lakh schools that exist who today are not able to support these children. It is for everybody who works. It is for the parents of that 200 million individuals, husbands, wives, children. So the universe that we work with is very large that we are trying to address the need of. This is something very huge, ma'am. And I yes. think it should expand and people should know about it as much they don't know. It's something very unique type of AI. We can use not only for us, but it is for some people. We call them special, the special child of God. But basically, this is not, they are not just special child of God. They are something more than that. And this is what this AI does. So, absolutely. With this, I just want to end our conversation here, but it was lovely talking to you, and it's something people should know about. Basically, ma'am, I also got to know iske baare mein, aaj mujhe bhi khud hi pata chala. So, mere jaise bahut log hai jo is baare mein nahi jante honge, which they should know. So, thank you so much. Alright. Thank you so much for having me. Yes, ma'am. Please come and use the chatbot. Test it out and learn something new. After this, I'm sure there's a lot more to learn. I'm going to see that only, ma'am. This is my plan after the interview. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much for giving us. We hope we'll reconnect.